नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर जिले के जिला अस्पताल से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जो पुलिस को बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर बाइक चोरों ने जिला अस्पताल को अपना अड्डा बना लिया है, जिसको लेकर ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने लगातार अपनी नाराजगी जाहिर की है और बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त पहरे और डेली रूटीन चेकिंग के आदेश दिए हैं। उसी के तहत देर रात पुलिस की इस कार्रवाई का असर देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिसकर्मी कितने खरे उतरते हैं और लगातार हुई बाइक की चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश कर चोरों को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने में कब तक कामयाब हो पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए ललितपुर से ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। आपकी गाड़ी है, लोग का तो दूर बैठो, गाड़ी ना बैठो, इससे मालूम होता है गाड़ी बैठो तो गुस्सा पड़ जाएगा, हम आपको बचा लेंगे नहीं। मरीज के पास गाड़ी बहुत चोरी हो रही है, इसलिए कुछ अधिकारियों का आदेश है, अपनी गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है, कुछ दिक्कत है पुलिस को सूचना दीजिए, कागज लेकर चलिए। ठीक है, हेलमेट लेकर चलिए आपको। ठीक है, मरीज के पास जाइए, मगर गाड़ी पर निगाह रखिए। ठीक है, एक्सीडेंट तो है नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी है, सकती है लोगों को पकड़ने के लिए। गाड़ी ना बैठिए, आप गाड़ी खड़ी करके लॉक करके दूर बैठ जाइए, अपनी गाड़ी देखिए। आप बैठे रहेंगे चले जाओगे, उसको समझेगा गाड़ी मालिक है, कुछ आएगा निकला जाएगा।